हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाती है। इसी गांव के तीन बदमाश उस पर गंदी नजर रखते हैं। जब वह मछलियां पकड़ने जाती है तो वे उसे उठाकर जंगल में ले जाते हैं। लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बचाने आता है, लेकिन वे बदमाश उसे बहुत मारते हैं और वही अमर कर देते हैं। इसके बाद वे बारी बारी से उस लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो लड़की का बॉयफ्रेंड यह सब देख रहा होता है। आगे क्या होता है यह हम मूवी में देखेंगे, तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ लड़के पीछा कर रहे होते हैं। वे लड़के कपल को पकड़कर जान से मार देना चाहते हैं। उन बदमाशों में से एक लीडर जिसका नाम चीन है, वह लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और मिलकर उसे बुरी तरह मारते हैं। फिर ये तीनों बदमाश लड़की के पीछे जाते हैं और उसे भी मार देते हैं। फिर सीन बदलता है और हम गांव में कपल को देखते हैं जो जंगल में रहते हैं। नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए इस लड़की का नाम बा है जो गूंगी है, और उसके साथ जो लड़का है उसका नाम जॉन है। जॉन बा से शादी करना चाहता है क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मछलियां पकड़ने के बाद जब वे गांव लौट रहे होते हैं तो कुछ लड़के उन पर पत्थर फेंकते हैं। पत्थर बा के सिर पर लगने से खून बहने लगता है। बा घर पहुंचती है और उसकी माँ उसके सिर पर दवा लगाती है। बा अपने दादा को बहुत मिस करती है। बा का फादर उन्हें छोड़कर किसी और औरत के साथ रहता है। बा की माँ जॉन के पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है। बा नहीं बोल सकती, इसलिए तुम्हारे माता पिता उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जॉन कहता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बा से ही शादी करेगा। जब जॉन अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है कि उसे बा के साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर उन्होंने बा से शादी कर ली तो उनकी बदनामी पूरे गाँव में हो जाएगी। लेकिन जॉन अपनी माँ की बात नहीं मानता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक होटल में बैठी होती है। तभी वहाँ एक वेटर आता है और वे तीन लड़के उसे घूरने लगते हैं। जब वह लड़की उनके पास आती है तो वे उसे छेड़ने लगते हैं। इस पर लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वह उनके लीडर चैन को थप्पड़ मार देती है। चैन गुस्से में अपने घर जाता है। जब वह अपनी पत्नी के पास पहुँचता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वह अब तक कहाँ था। वह चैन से लड़ाई करती है और कहती है कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहता है और उसकी हरकतें भी अच्छी नहीं है। फिर हम जॉन और बा को देखते हैं जो मछली पकड़ने के लिए नदी में जाते हैं। मछलियां पकड़ने के बाद वे उन्हें पका कर खाते हैं। वे वहां बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक औरत की मछलियां चुरा कर भाग रहे होते हैं। वह लड़की एक जगह पर बैठकर उन मछलियों को खाती है। वे लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी उन्हें जॉन और बा दिखाई देते हैं। वे लोग नदी से अपने गांव की तरफ जा रहे होते हैं। वे लड़के अचानक उनके रास्ते में आ जाते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वे जॉन और बा की पकड़ी हुई मछलियां भी ले लेते हैं। तभी चैन की पत्नी वहां आ जाती है और उन तीनों लड़कों को वहां से भगा देती है। इसके बाद बा और जॉन अपने घर पहुंचते हैं। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो केला चुराकर भाग रहा होता है। इसी वक्त बा भी वहां से आ रही होती है और उसके हाथ में भी केले होते हैं जो उसने दुकान से खरीदे थे। लेकिन दुकान वाली को लगता है कि बा ने उसके केले चुराए हैं। वह बा के पास जाकर उसके केले छीन लेती है और उसे मारती है और बहुत सारी गालियां भी देती है। बा बेचारी गूंगी थी, इसलिए वह कुछ भी नहीं बता पाती। वह कहना चाहती थी कि उसने केले दुकान से खरीदे हैं, लेकिन वह बोल नहीं पाती, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। इधर जॉन की माँ बा की माँ से मिलने आई है। वह बा की माँ से कहती है कि तुम अपनी बेटी को संभालो क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारी बदनामी पूरे गांव में हो रही है। गांव में कोई भी बा को पसंद नहीं करता क्योंकि वह बोल नहीं सकती, इसलिए लोग उसे मनहूस मानते हैं। यह सब सुनकर बा की माँ को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद बा अकेले एक जगह पर जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है क्योंकि सारे गांव वाले उसकी बेइज्जती करते हैं। तभी वहां जॉन आता है और बा को रोता देखकर उसे चुप कराता है और उसकी बातें सुनकर उसका मूड अच्छा कर देता है। इसके बाद
वे लोग फिर से मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी वहां उन तीन बदमाशों में से दो लोग आ जाते हैं। वो लोग बा को पकड़कर जंगल के अंदर ले जाते हैं। जॉन को जब इस बात का पता चलता है तो वह भी उन लोगों का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है और बा को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। जॉन अकेला था और बदमाश तीन, इसलिए वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। वे मिलकर जॉन को बहुत मारते हैं और उसे घायल कर देते हैं। इसके बाद चैन बा को पकड़ता है और उसके कपड़े उतारकर जबरदस्ती करता है। उसके बाद ये तीनों बारी बारी से उसके साथ वही करते हैं। अपनी हवस मिटाने के बाद ये लोग बा और जॉन को मारना चाहते हैं। बा हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है कि वे उन्हें जान से ना मारें। वह जॉन और अपनी जिंदगी के लिए उनसे भीख मांगती है, लेकिन वे लोग उसकी विनती नहीं सुनते और उन्हें मार देते हैं। फिर वे उनके शवों को जमीन में दफन कर देते हैं। अब रात हो चुकी है। बा की माँ अपनी बेटी के लिए इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि बा के साथ क्या हुआ है। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी जब बा घर नहीं आती तो बा की माँ जॉन के घर जाती है और उनसे बा के बारे में पूछती है। तब उन्हें पता चलता है कि जॉन भी कल रात से घर नहीं आया है। इसके बाद सारे परिवार वाले मिलकर नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन वहां भी उन दोनों का कोई निशान नहीं मिलता। तभी उन्हें एक औरत मिलती है। वे उस औरत से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। वह औरत बताती है कि उसने उन दोनों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उनके पीछे वे तीन बदमाश लड़के थे। इसके बाद दोनों परिवार चैन के पास जाते हैं और उससे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन चैन कुछ नहीं बताता और उनका अपमान कर उन्हें भगा देता है। अब ये दोनों परिवार पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपने बच्चों के बारे में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर पाती। अब ये लोग निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। बा की माँ घर आकर रोने लगती है, क्योंकि वे लोग बहुत गरीब थे और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हम उन तीनों बदमाशों में से एक को देखते हैं जो जंगल की तरफ जा रहा होता है। वह अंदर से बहुत दुखी था, क्योंकि वह जॉन और बा के साथ की गई हरकतों पर पछता रहा था। तभी उसके दोनों दोस्त वहां आते हैं और उससे पूछते हैं कि वह इतना उदास क्यों है। लियोन कहता है कि हमें गांव वालों को यह बात बता देनी चाहिए कि हमने ही उन दोनों को मार दिया है। लेकिन चैन यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ बंदूक तान देता है। चैन उसे धमकी देता है कि अगर यह बात किसी को भी पता चली तो वे सभी जेल जाएंगे, और उसे किसी को भीन बताने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वे लोग फिर से जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। शिकार करते हुए अचानक लियोन को बा दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे बा का भूत है। यह देखकर वे तीनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वे रात में एक जगह मिलते हैं। वहां कुछ लड़कियां भी होती है। सभी लोग काफी शराब पीते हैं और नशे में होते हैं। जब वे अपने घर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक एक करके बा दिखाई देती है, जिससे वे बहुत डर जाते हैं। कुछ समय बाद उन तीनों को बुरे सपने आने लगते हैं। अगले दिन लियोन फिर से जंगल में शिकार करने जाता है, लेकिन अचानक कोई उसे मार देता है। इसके बाद हम उन तीनों में से दूसरे वाले को देखते हैं, जिसे भी डरावने सपने आने लगते हैं। वह इन सपनों से परेशान होकर अपने देवता की पूजा करने जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि देवता उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। चैन अपने घर पर होता है और उसे भी डरावने सपने आ रहे होते हैं। अगले दिन उन तीनों में से एक आदमी मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसे भी कोई मार देता है। अब उन तीनों में से सिर्फ एक ही आदमी बचा था और वह उनका लीडर चैन था। जब चैन अपने घर में चैन की नींद सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है। वह आवाजों का पीछा करते हुए आगे जाता है और अचानक उसे बा दिखाई देती है। वह चाकू लेकर बा पर हमला करता है, लेकिन पास जाकर देखता है कि वह बा नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है। यह देखकर वह बहुत सन्न हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वह बहुत पछता रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जब चैन को होश आता है तो देखता है कि उसे किसी ने बांध दिया है और उसके गले में भी एक रस्सी बंधी होती है। उसी समय बा और जॉन वहां आते हैं। वे बताते हैं कि उसी वक्त जॉन और बा मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे। अब वे लोग चैन को पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे वे बच गए। यहां पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है
और हम देखते हैं कि उन तीनों ने जॉन और बा को दफना दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर जोरदार बारिश होने लगती है जिससे जॉन होश में आ जाता है। इसके बाद वह बा के पास जाता है और उसे भी कब्र से बाहर निकालता है। इस तरह वे लोग बच जाते हैं। वे चैन को बताते हैं कि उन्होंने ही उसके दोनों साथियों को मार दिया है। उन्होंने पहले उसके एक दोस्त को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी जिससे उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसके बाद दूसरे आदमी जो मछलियां पकड़ने गया था को उन्होंने पानी में डुबाकर मार दिया था। अब सिर्फ चैन ही बचा था। यह सब सुनकर चैन बहुत डर जाता है और अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगता है, लेकिन जॉन और बा उसे माफ नहीं करते। फिर वे दोनों मिलकर उसे रस्सी से फांसी पर लटका देते हैं और थोड़ी देर बाद चैन की मौत हो जाती है। चैन को मारकर उन्हें चैन मिल जाता है। इस तरह वे अपना बदला ले लेते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।